हेलो गाइस, तो आज का हमारा वीडियो है एक दूसरा डाइट प्लान का। यस, अभी चल रहे हैं समर्स, तो समर्स के लिए हम अलग डाइट प्लान यूज़ करते हैं। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती है, हम अपने डाइट में वैसे वैसे डिफरेंस करते जाते हैं। मैंने जो 50 केजी अपना वेट लॉस किया, उसमें मैंने हर एक सीज़न में अलग अलग डाइट प्लान यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है वो एक टाइप के डाइट से यूज्ड टू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने डाइट में अल्टरेशन की ज़रूरत पड़ती है फॉर वेट लॉस। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी ऐसा डाइट प्लान जो आप समर्स में यूज़ कर सकते हो। क्यों समर्स में? बिकॉज इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को ठंडा रखेगी, कूल डाउन करेगी। एंड ये मेरा दूसरा डाइट प्लान का वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वो आप चेक कर सकते हो। वो सिंपल डाइट प्लान है, उससे थोड़ा कम वेट लॉस होगा, लेकिन इससे आपका ज़्यादा वेट लॉस होगा। अगर ये पर्टिकुलर डाइट प्लान आप समर्स में यूज़ करेंगे तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियोज़ को शुरू करने से पहले, अगर जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं डाइट प्लान। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही आपके पूरे दिन का मील की प्रिपरेशन करनी है। यस, क्यों? ताकि आप अनवांटेड ईटिंग से बचे। तो पहले जैसे ही आप उठते हैं, आपको कॉपर फ्लास्क में रखा हुआ पानी पीना है। आपको पता है कि इसके बहुत सारे, आपने सुना भी होगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉपर एक ऐसी मेटल है जो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। फिलहाल मैं इस वीडियो में इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, रात को कॉपर के वेसल में, या तो वेसल ले लीजिए या तो फ्लास्क ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर के आपको ओवरनाइट को छोड़ देना है। सुबह उठते ही आपको वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो कंप्लीट करना है, वो पीना है पूरा कॉपर फ्लास्क वाला पानी। उसके बाद आपको चाय लेनी है विदाउट शुगर, टी या तो कॉफ़ी जो भी लेते हैं, लेकिन विदाउट शुगर लीजिए। अगर चाय में आप अदरक डालते हो तो अदरक की जगह पे आपको मिंट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है, जो समर्स में ज़्यादा यूज़ करने से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी हाई करेगी। मिंट वो नेचुरली ठंडा होता है, आपके बॉडी को कूल डाउन रखेगा। तो आपको सुबह में पीनी है मिंट वाली टी। अब आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आपको मैंगो लेनी है। क्यों मैंगो? बिकॉज ये सीज़न का फ्रूट है, समर का फ्रूट है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मैंगो ही लीजिए। मैंगो कट करके लेना है, आमरस आप नहीं खा सकते हो, शुगर आप इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। ओनली एक मैंगो लेना है। अगर आपके पास मैंगो अवेलेबल नहीं है तो आप एक एप्पल ले सकते हो या तो एक ऑरेंज ले सकते हो। उसके बाद लंच में आपको मूंग दाल खानी है, ग्रीन मूंग। यस, एक बाउल ग्रीन मूंग लेने हैं बॉइल्ड। मैं कैसे अपना प्रिपेयर करती हूँ मूंग, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो लंच के लिए हमें फिक्स है इतने मूंग लेने हैं, ये बॉइल्ड मूंग है, ठीक है। सलाद के लिए मैंने वेजिटेबल्स लिया है, आप अलग से सलाद भी खा सकते हो और साथ में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, मैं साथ में ही लेना प्रेफर करती हूँ। ये क्यूकम्बर, ये टोमेटोज, ये कैरेट, ये ऑनियन है, ये लेमन है, एंड ये मसाला है, और ये सॉल्ट है, एंड ये कर्ड है, क्योंकि मैं लंच में कर्ड प्रेफर करती हूँ। आपको भी लेना है कर्ड। तो अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। ये मूंग दाल आप बटर मिल्क के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। ये अभी हमारा रेडी हो चुका है, इसमें कोई तड़का डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी लगेगा ये। और सलाद की वजह से आपको फुलफिलमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये है हमारी मूंग दाल विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड कर्ड। उसके बाद शाम को आपको चना, जो भुने हुए चने होते हैं, ठीक है, उसको लेकर आपको चाट बनानी है। तो गाइस, ये है इवनिंग स्नैक मेरा। यस, इवनिंग स्नैक में आपको भुने हुए चने लेने हैं, उसके साथ क्यूकुम्बर डालना है, कैरेट्स डालने हैं, टोमेटोज डालने हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप उसके अंदर डाल सकते हो। थोड़ा उसके अंदर आप लेमन स्क्वीज कीजिए, ठीक है, और थोड़ा मसाला डाल के आप इसके अंदर कोई भी चटनी भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप एंजॉय कर सकते हो एज ए इवनिंग स्नैक।
जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वेजिटेबल ज़्यादा लिया है, चने कम लिए हैं। ऐसे ही आपको बनानी है फॉर इवनिंग। शाम को आपको टी या कॉफ़ी नहीं लेनी है, उसके बाद डिनर में आपको ओट्स लेने हैं जो आपने सुबह ही प्रिपेयर कर लिए हैं। तो रात के डिनर के लिए ओटमील बनाने के लिए सुबह ही आपको ये प्रिपेयर करके फ्रिज में रखना है, बिकॉज एक समझ है आपको ठंडा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो ये हम ठंडा ही खाएंगे। जिसको गर्म रात को दूध में गर्म करके खाना हो वो गर्म करके भी खा सकता है। हम अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं ओटमील, उसके लिए ओट्स चाहिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े, जिसमें आलमंड्स हैं एंड डेट्स हैं। ये स्वीटनेस के लिए हनी भी यूज़ आप कर सकते हो, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं दिखाने के लिए अभी हनी भी डाल रही हूँ। और ये है मिल्क फॉर ओट मिल्क, तो पहले आप उसके लिए दूध लीजिए। ये 10 to 12 hours फ्रिज में रहेंगे तो ये फूल जाएंगे, पूरा बाउल आपका रेडी हो जाएगा। इसके साथ ये सारे आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। हनी आप लास्ट मोमेंट पे भी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से स्वीटनेस आ जाए। ये आपको रख देना है फ्रिज में 10 टू 12 आवर्स के लिए, फिर ये आप जब भी खाना हो आप आधे घंटे पहले निकाल के इसको खा सकते हैं। और अगर आपको गर्म दूध में रात को बनाना है, आप सुबह भूल गए हो, तो रात को भी आप गर्म दूध में ये ओट्स को उबाल के ये सब आप डाल के आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आप पूरे दिन में डिटॉक्स वाटर का यूज़ कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ क्यूकम्बर, मिंट लीव्स एंड लेमन। आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन बॉटल के अंदर ये सब आपको मिक्स करके रख देना है और दिन के दौरान ही आपको पीते रहना है फॉर डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड हाइड्रेटिंग योर बॉडी। आप इससे अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और पूरे दिन के दौरान आप इसको पी सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है डिटॉक्स वाटर, और ये मैं पूरे दिन अपने साथ रखूंगी और पीते जाऊंगी इससे पानी। ये चीज़ें आपकी बॉडी को कूल डाउन रखती है पूरे दिन में। आपको पता है कि समर्स में आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, आपको गर्मी लगती है, स्वेटिंग होता है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पूरे दिन में आपको ये पानी लगातार पीते रहना है। आप ये रात को भी प्रिपेयर करके रख सकते हो, या तो आप दिन में भी प्रिपेयर करके रखो और पूरे दिन आप ये बॉटल अपने साथ रखो और पीते जाइए। और कुछ भी नहीं लेना है, ये पूरे दिन का डाइट है, ये आपको एक वीक लगातार फॉलो करना है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट थिंग आपको अवॉइड करनी है शुगर, कोई भी चीज़ में शुगर नहीं डालनी है। आपको राइस अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, कुछ भी आप तली हुई चीज़ें या नमकीन नहीं ले सकते हो। वीट भी इसको इसमें आप अवॉइड करना है, रोटी भी नहीं खा सकते हो। अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आपको ज़रूर रिजल्ट देगा। सो ये था समर का डाइट प्लान। मैं बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स के वीडियोस बनाऊंगी, इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।